हेलो दोस्तों, मेरे चैनल साहिर वाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल है लालच बुरी बला है। एक शहर में एक आदमी रहता था, वो बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे चार दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्ट ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्द ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदी तो उसे सोने की मोहरे से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया और पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो गया। अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी दो पेटियाँ मिली। वो आदमी अब बहुत खुश था। तब वो सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसने मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसने मन में कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो, मुझे जल्द ही उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि ये महल उसके लिए ही है। वो अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वो आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था, किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वो आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वो ज़रा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर
ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वो चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दब कर मर जाएगा। कुछ समय रुक कर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वो लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा, अब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पाएगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा। बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूँगा, लालच बुरी बला है।